हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल वाई के नाइप इंटरनेशनल। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो मैं हूँ शुभम और मैं आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके आपके लिए। और ई कॉमर्स में बहुत सारी चीज़ें हम अपलोड कर रहे हैं आजकल। ठीक है, तो बहुत सारे सप्लायर्स थे जिन्होंने मांग की कि आप बल्क लिस्टिंग हमें अपलोड करके बताओ कि कैसे हम बल्क लिस्टिंग को अपलोड करेंगे। तो आज किस पोर्टल पर हम बल्क लिस्टिंग अपलोड करने वाले हैं, वो पोर्टल का नाम है शोपी। तो जितने भी शॉपी सप्लायर्स हैं उनके लिए जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उनको अगर बल्क लिस्टिंग अपडेट करना नहीं आती कि वो बल्क लिस्टिंग कैसे अपलोड करें वो भी नहीं आती एक साथ ही। आप बल्क लिस्टिंग क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। बल्क लिस्टिंग एक साथ, अगर मान लो आपके पास 50 या 100 या फिर 4,000 या फिर 300, 400, एनी थिंग, कोई भी किसी भी संख्या में, मैक्सिमम 4,000 या 5,000, इससे ज़्यादा नहीं, अगर किसी भी संख्या में आपके पास लिस्टिंग्स ज़्यादा है और आपको एक ही साथ एक ही टाइम में वो अपलोड करनी है तो उसको हम बोलते हैं बल्क अपलोड। और वो एक ही साथ एक ही टाइम पे सारी की सारी लिस्टिंग्स पोर्टल पे लाइव हो जाती हैं। ठीक है, उसी को हम बल्क अपलोड बोलते हैं। तो आज हम उन सभी सप्लायर्स के लिए लेकर आए जो शोपी पर काम कर रहे हैं और जिनको एक साथ बल्क अपलोड करनी है, वो सारी लिस्टिंग्स को बल्क अपलोड करना है और उनको नहीं आता कि बल्क अपलोड कैसे करते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल पूरी देखिएगा तो आपको पूरी चीज़ समझ आएगी। ठीक है, तो गाइज, तो आज आप सीखने वाले हैं कि शोपी पे आप बल्क लिस्टिंग और बल्क प्रोडक्ट्स अपने एक ही साथ कैसे अपलोड करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो तक बने रहिए और वीडियो पे चलते हैं। और वीडियो पे चलने से पहले, स्क्रीन पे जाने से पहले, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बाकी बातें तो हम करेंगे बाद में मिल के आपसे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन का जो बेनिफिट है मैं आपको बता देता हूँ। बेल आइकन से जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो अब नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, तो आपका फ़ायदा होगा बिकॉज़ आप वीडियो को देख सकते हो। और हमारी जितनी भी वीडियो है वो सभी ई कॉमर्स पे डिपेंड करती है, सारी की सारी हम ई कॉमर्स पे ही करते हैं। तो ई कॉमर्स में आगे भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही जाना बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। करने के लिए सबसे पहले आपने कर लेना अपने सेलर पोर्टल को लॉगिन। लॉगिन करने का आपको, जैसे कि मैं अगर वीडियो में बताता हूँ, तो आप जाएंगे सेलर डॉट शॉपी डॉट इन पे और वहाँ पे डालेंगे लॉगिन की डिटेल, जो अपना यूजर नेम और पासवर्ड, फिर कर लेंगे आप लॉगिन। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप आएंगे अपने होम डैशबोर्ड पे। होम डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको बल्क लिस्टिंग करने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको पहले बता दूँ। कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक्स होते हैं हमारे, जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ पहले। ठीक है, आप चाहे सिंगल सिंगल लिस्टिंग करें या बल्क लिस्टिंग करें, उसमें कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जिस कैटेगरी की भी, सबसे पहले इस कैटेगरी की भी प्रोडक्ट ले रहे हो, मान लो कोई भी चीज़ ले रहे हो, मान लो मैं होम फर्निशिंग की कैटेगरी की बेडशीट की आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं आपको सभी कैटेगरी करके दिखाऊंगा, फिलहाल होम फर्निशिंग की डबल बेडशीट की मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, और इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे वेरिएशन के रिगार्डिंग, जिसमें हम वेरिएशन करके दिखाएंगे आपको। ये सिंगल सिंगल लिस्टिंग करेंगे और बल्क में करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है? सबसे पहले तो आप एक्सेल में एक फॉर्मेट अपना तैयार कर लीजिए। ठीक है, जिस तरह मैंने तैयार रेडी कर रखा है, ये जो फॉर्मेट है, आप सबसे पहले एक्सेल में इसको रेडी कर लीजिएगा। इसको मैं आपको बता दूँ, जो जो चीज़ आप पहले एक बार देख लीजिए सिंगल सिंगल लिस्टिंग में ओपन करके कि आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। फिर जब आप बल्क करेंगे, आप बल्क में एक साथ 4-5 हज़ार लिस्टिंग कर सकते हो मैक्सिमम, तो उसमें तो आपको बस कॉपी पेस्ट ही करना है। तो आपको मेरी जो कैटेगरी है, मैं बेडशीट की करके दिखा रहा हूँ आपको, उसमें आपको क्या क्या चीज़ चाहिए: SKU, कलर, साइज़, प्रोडक्ट नेम, सेलिंग प्राइस, MRP, इमेज की लिंक। मैंने सिर्फ एक ही देनी है तो मैं एक ही उठा रहा हूँ, आप 2, 3, 4 जितनी आप चाहे नहीं दे सकते, मैक्सिमम आप 7 दे सकते हो। ठीक है, इमेज की लिंक और डिस्क्रिप्शन। बस ये मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं, ज़्यादातर सभी में यही होते हैं, फ्लिपकार्ट में भी, अमेजोन में भी, सभी, चाहे वो कोई सी भी पोर्टल हो, सब पोर्टल पर आप जब लिस्टिंग करोगे तो आपको ये मैंडेटरी फील्ड्स ही होते हैं। ये आपके मैंडेटरी पास आपके पास होना चाहिए डेटा। ठीक है, बाकी तो हम डायरेक्ट डाल सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके कहीं से भी। ठीक है, तो आपको ये एक एक्सेल में बना लेना है, जैसे मैंने बना रखा है। SKU क्या होता है आपको बता देता हूँ। SKU होता है सेलर की यूनिट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप जब भी, ये मैंने लिखा सेलर की यूनिट, इसका मतलब होता है कि आपकी पहचान के लिए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिससे कि आप बगैर फोटो को देखे पता कर सको कि इस होल्डर आईडी में कौन सा प्रोडक्ट जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए SKU रखा जाता है, जो हर जगह पे आप दे सकते हो, फ्लिपकार्ट में भी, अमेजोन में भी, किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, सभी जगह ये चलता है। आपके आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको इसको बोल सकते हो, इसीलिए इसका नाम SKU रखा गया है, सेलर की यूनिट।
कि आप अपने पास इसको किस तरीके से रख पा रहे हो, किस नाम से रखोगे। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे कलर पे, इसके बाद साइज पे, फिर प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम में आपका जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैंने डाला मेरी डबल बेडशीट है, मैंने सबसे पहले ब्रांड का नेम, फिर प्रोडक्ट कौन सा है, फिर उसके साथ क्या कंटेंट सब वो। अगर आप चाहे इसमें मटेरियल भी डाल सकते हो, मतलब आप अपने तरीके जो चाहे बना सकते हो, लेकिन मैंडेटरी जो होता है मैं आपको बता दूँ, मेन जो होता है सबसे पहले ब्रांड का नेम, इसके बाद उसका मतलब जो जिस चीज़ वो बना है वो कंटेंट, जैसे कि वो मटेरियल उसका जो भी है मटेरियल, जैसे कि मेरे इसका पॉलीकॉटन है तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ पॉलीकॉटन, जैसे वाई कैन आई पी पॉलीकॉटन। ठीक है, उसके बाद क्या उसके अंदर कंटेंट में क्या है वो चीज़, बस 1 WHB 2 WHB। अगर इससे ज़्यादा आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है, छोटा सा शॉर्ट में कि इसका साइज़ क्या है वो भी इसमें लिख सकते हो। ठीक है, मैंने इतना ही लिखना है, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, उसको कर दिया कॉपी। तो बहुत ही सिंपल काम हो गया ना आपके, एक साथ में 3 प्रोडक्ट हो गया। अगर 4 हज़ार है तो वो ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर सकते हो उसमें, सिंपल बस कलर आपको चेंज करना होगा अंदर। इसके बाद सेलिंग प्राइस आप जो जिस रेट पे बेचना चाहते हो, MRP, इमेज की लिंक आपको कहाँ से देनी है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ आपको एक एक्सेल में बना के रख लेनी है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं पोर्टल पे। सबसे पहले हम उठाएंगे इमेज की लिंक। पहले आपको मैं जस्ट एक बेसिक फॉर्मूलेज बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे डेटा रख लोगे तो आपको बस कॉपी पेस्ट करना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला फिर इसके बाद। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि कैसे अब आपको इमेज की लिंक क्रिएट करनी है। तो हम जाएंगे सेलर पोर्टल पे, इस पे ड्रॉपबॉक्स और बाकी सब किसी भी पोर्टल की लिंक एक्सेप्टेबल नहीं है सोपी पे, इन्होंने खुद का ही लिंक अपना दे रखा है, वहीं से आपको क्रिएट करनी होगी। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि कहाँ से आपको क्रिएट करनी है, मैं आपको बता दूँ, मीडिया स्पेस। आप यहाँ पे आएंगे, इसके बाद आपको जाना है मीडिया स्पेस में, हम करेंगे मीडिया स्पेस पे क्लिक। आपको इसी उसमें ऐड करनी है। ठीक है, मान लो आपको सबसे पहले फोल्डर बनाना है, आप क्रिएट न्यू फोल्डर पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बनाना है न्यू फोल्डर, यहाँ पे आपको चूज कर लेना किस जगह न्यू फोल्डर बनाना है। मैंने ऑल फाइल्स में मतलब मेन हब यहाँ मेन पे बनाना है, तो यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे कि डबल बेड्स भी, तो डबल कर देंगे कन्फर्म। 30 करेक्टर्स तक आप नाम दे सकते हो, अब देख सकते हो ये सेव सेव हो गया है। ठीक है, आगे फोल्डर पे वहाँ पे ऑलरेडी ओपन भी हो गया अपने आप ही। इसके बाद यहाँ पे कुछ ये फिल्टर्स होते हैं मीडिया स्पेस के, फाइल नेम से आप अगर आपको कुछ सर्च करना है, टाइप उसका टाइप क्या है, ठीक है, वीडियो या इमेज है, किस तारीख को अपडेट हुई थी, मतलब इन चीज़ों में, और ये कैपेसिटी अब 2 GB तक का यहाँ पे डेटा रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं अपलोड मीडिया फाइल्स में, अपलोड लोकल फाइल। अगर URL आपको देनी है तो वहाँ से भी आप उठा सकते हो। हम जाएंगे लोकल फाइल्स में, हमने अपने सिस्टम में रखी हुई है, करेंगे सेलेक्ट इमेज वीडियो पे क्लिक, और कोई भी 2 इमेज आप हम यहाँ से उठा लेंगे। मैं आपको 3 की करके दिखा रहा हूँ, तो हम ले लेंगे 3 इमेज, करेंगे एंटर। एक बात का ध्यान रहे कि 3 इमेज कम से कम, अभी मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू, ये पढ़िए आप देखिए, इसका जो मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए वो 2 MB से कम हो, इमेज का फॉर्मेट ये रहे, JPG JPG PNG हो, कि कोई और अदर फॉर्मेट ही उठाएगा नहीं, और अगर वीडियो है तो आपकी 30 MB से कम हो, और 1280x1280 पिक्सल में हो, MP4 में हो। ठीक है, और वीडियो आपकी 10 सेकंड से 60 सेकंड से ज़्यादा ना हो, तो ये चीज़ें आपको क्राइटेरिया मैच करना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा तो वो इनवैलिड बताएगा, और ये अपलोड भी नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गई है। ठीक है, इसमें ये एक्चुअली क्या आता है, ये जो नाम है टाइटल नेम, ये टाइटल नेम आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो जो आपका मन करे, जैसे कि मैं एडिट कर देता हूँ पहचान करने के लिए, हम इसमें करेक्टर्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो भी इमेज पे नेम होता है ऑटोमेटिकली उसी को उठा लेता है, जो मेरी इमेज पे ये नेम था तो इन्होंने ये उठा लिया। ठीक है, और अब हम कर देते हैं क्लोज इसको, क्योंकि हमें चेंज ही नहीं करना। अब हम करते हैं इनकी लिंक क्रिएट, तो यहीं से हमें लिंक क्रिएट करनी है, इस पे एक्सपोर्ट पे जाके। ये एक्चुअली आपको एक दो सिंगल सिंगल नहीं कर सकते, आपको सारी एक साथ ही करनी होगी, तो आपको करना है क्लिक एक्सपोर्ट पे। देखिए आपकी एक्सेल शीट रेडी हो गई है, और इसी में एक साथ ही वो सारी एक्सपोर्ट हो गए तीनों के तीनों लिंक, करेंगे हम क्लिक। ठीक है, तो आप अपनी इमेज का नाम यहाँ पे ऐसा रख लीजिए ताकि आपको यहाँ पे जब आप ओपन करोगे तो आपको समझ आ जाए कि वो किस इमेज की लिंक है। ठीक है, आप ये देखिए अब यहाँ पे आ गया ये लिंक हमारी, ये यहाँ पे हमारे जो इमेज पे नाम था वो, और ये किस फोल्डर में थी ये फोल्डर का नाम, और ये इमेज की लिंक, ये सब डेट है, इसको छोड़ सकते हो आप। तो
ये यहाँ से इमेज की लिंक आपको यहाँ से पहचान करनी होगी कि आपकी लिंक किस इमेज की कौन सी है। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ कॉपी और मैं SKU यही रख देता हूँ क्योंकि मैं वो अपने SKU को यूज में रखता हूँ। ठीक है, मैंने SKU भी अपने यही रख दी। और अब हम दे देते हैं आप लिंक तीनों के तीनों। हमारे पास कंप्लीट डेटा रेडी हो गया है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है शीट के अंदर। और बहुत जल्दी हमारी जो मतलब बहुत ही जल्द अब हम लिस्टिंग कर सकते हैं। चलिए चलते हैं पोर्टल पे। अब इसका हमारा दूसरी का जो सीट का काम है वो हो गया डन, इसको हम कर सकते हैं कट। चलिए फिर आते हैं हम, फिर से आएंगे इसमें, आएंगे माय प्रोडक्ट्स में। ठीक है, माय प्रोडक्ट्स में आने के बाद आपको करना है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ। यहाँ पे आप प्रोडक्ट नेम के, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं फिल्टर्स है, अगर आपको कोई चीज़ आपकी पहले लिस्टिंग है ऑलरेडी और उसमें से आपको आउट ऑफ स्टॉक करना है, रेट चेंज करना है, कोई भी एडिटिंग करनी है, तो आप यहाँ पे सर्च करके SKU प्रोडक्ट नेम SKU वेरिएशन आईडी टेबल जो चाहे वो सर्च करके उसको फाइंड करके चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। इसके बाद ये यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल, यहाँ पे आपकी सारी आ जाएगी ऑल में जितनी भी ये है। लाइव में आपकी केवल लाइव आएगी जो फिलहाल लाइव है पोर्टल पे, जो आपके आउट ऑफ स्टॉक है सोल्ड आउट में आएगी, जो आपकी वायलेशन है मतलब जिसने वायलेट किया है, पॉलिसी वायलेट हुई हो या फिर आपने कोई इमेज मतलब किसी ने इमेज कॉपीराइट, कोई कॉपीराइट करे, तो वो सब इसमें आएगी वायलेशन में। अगर शॉपी ने उसको डिलीट कर दिया किसी कारण से तो वो डिलीट में आएगी। और जब आप बल्क लिस्टिंग अपलोड करते हो, गाइज मैंने एक चीज़ बताना भूल के बता देता हूँ, आपकी बल्क अपलोड जो है लिस्ट वो दो स्टेप में पूरी होगी। एक आपको जो स्टेप कंप्लीट करना होगा एक्सेल बना के अपलोड करनी होगी, फिर अपलोड करके वो अनपब्लिश में आएगी। अनपब्लिश में आने के बाद आपको कुछ डेटा यहाँ पे फीड करना होगा, वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कुछ ही सेकंड्स में पूरा कर देंगे, बताऊंगा आपको कैसे। आप एक पे अप्लाई करोगे, सब पे अप्लाई करना पड़ेगा आपको, सब पे अप्लाई कर देंगे ना तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ से आपने सिंगल सिंगल लिस्टिंग की थी, ये आपको टोटल प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बेस्ट टूल्स पे। बेस्ट टूल्स पे जाने के बाद आपको शो करेगा, यहाँ पे हम करेंगे मास अपलोड, ये मास अपडेट। मास अपडेट मतलब जो आपने लिस्टिंग ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है, उस पे अगर आपको कोई एडिटिंग करनी हो तो मास अपडेट पे आपको क्लिक करना है। इस पर मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा, अभी हम करेंगे मास अपलोड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने करना है ये स्ट्राइड। अब यहाँ से हम कर लेंगे एक डाउनलोड बेसिक टेम्पलेट, हमें सबसे पहले लेना है टेम्पलेट, और टेम्पलेट जैसे डाउनलोड होगा फिर हम उसको करेंगे फिल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है फिल करना, हमने पहले ही डेटा ऑलरेडी बना रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सेल शीट में ये हमने डेटा बना रखा है, बस यही सब चीज़ें हमें चाहिए होती है। और अब देखिए कितनी जल्दी से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमारी डाउनलोड होगी शीट, हम इसको करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद जैसे कि मैंने आपको सब वीडियो में बताया, ये सारी प्रोटेक्टेड शीट्स होती है जितनी भी ई कॉमर्स की शीट्स होती है, इस पर करेंगे आप इनेबल। और इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे ये टेम्पलेट शीट है, ये गाइडेंस यहाँ पे इसमें क्या क्या मतलब किस किस में क्या क्या चीज़ें देनी होती है उस चीज़ के बारे में लिखा गया, पढ़ सकते हो उसको। यहाँ पे अपलोड सैम्पल, ये सैम्पल है थोड़ा सा, ठीक है, आप इस तरीके से मतलब इसमें लिस्टिंग कर सकते हो, सैम्पल इन्होंने भी दिए हैं। ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ सकते हो सारी, मैं बताता हूँ टेम्पलेट्स पे। टेम्पलेट से जाने से पहले मैं आपको बता दूँ एट्रीब्यूट वैल्यू मैपिंग, यहाँ पे ये चेक कर सकते हो कि एट्रीब्यूट्स हैं कहाँ पे क्या अपलोड करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें प्री ऑर्डर डिटेल्स रेंज, यहाँ से हम उठाएंगे सबसे पहले अपनी कैटेगरी। ठीक है, तो अपनी कैटेगरी सर्च करेंगे, हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं बेड शीट की, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे बेड शीट, एंटर करेंगे, देखिए हमारी आ गई है। तो हमारे जो कैटेगरी कोड है वो है, इसको कर देंगे कट, यहाँ से कर लेंगे कॉपी और जाएंगे अब टेम्पलेट। टेम्पलेट में जाने के बाद आपको सबसे पहले कर देना है कैटेगरी आईडी को फिल, तो तीन हमारी सेम ही है तीनों, तो हम तीनों में सेम डालेंगे। यहाँ पे आपको करना है प्रोडक्ट नेम, तो हमने जो प्रोडक्ट नेम रखे थे ऐसे कर लेना कॉपी, सिर्फ मैंने बताया था ना कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ कर देंगे पेस्ट। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो गाइस आप प्रोडक्ट में पेरेंट SKU आप देना चाहे तो दे सकते हैं, आप SKU और पेरेंट SKU दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, अगर आपकी वेरिएशन नहीं है, अगर वेरिएशन है तो आपको पेरेंट SKU देना होगा, कोई मैंडेटरी नहीं है, आप जैसा चाहे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप पेरेंट SKU में दे दीजिए या फिर SKU में, जो दोनों में से जहाँ पे आप देना चाहें वहाँ पे दे दीजिए, सेलर SKU कोड दोनों में मत दीजिएगा, नहीं तो फिर वो दोनों पे सेम सेम शो करेगा, जब आप
रिसीविंग लेवल प्रिंट करोगे तो वहाँ पे आपको दोनों ही शो करेगा, तो वहाँ पे एक ही फिल करे। मैं करने वाला हूँ पेरेंट एसके जो फिल, वैसे ऑप्शनल है आप देख सकते हो। यहाँ पे जो जो रेड कलर से मैंडेटरी है ना सेकंड कॉलम में, वही आपको फिल करना है, बाकी आप छोड़ सकते हो, नो इश्यू। ठीक है, और कंडीशनल मैंडेटरी अगर हो सके तो आप फिल कर दीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए। और कंडीशनल मैंडेटरी में ये होता है एक तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएशन के लिए, तो हम यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं कर रहे, सिंगल सिंगल लिस्टिंग कर रहे हैं, तो हम सब की कंडीशनल जो वेरिएशन है वो अलग अलग करेंगे इंटीग्रेशन नंबर, क्योंकि अगर हम एक ही नंबर रख देने का तो ये एक ही पेज पे शो कर जाएगा, इसकी एक ही प्रोडक्ट की मतलब एक ही जगह पे वेरिएशन हो जाएगी। तो वेरिएशन कैसे करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। एक तरीके इसको हम एक तरीके से ग्रुप आईडी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट में इसको ग्रुप आईडी बोला गया है। अगर हमें वेरिएशन करनी है हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएशन करना, और अगर नहीं करनी तो छोड़ देंगे। हम दो ही दो वेरिएशन कर सकते हैं, कोई उन वेरिएशन वाले पार्ट में बताऊंगा तब हम वेरिएशन करेंगे। अभी हम कर रहे हैं सिंगल स्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइज, साइज हमारा है डबल, अभी यहाँ पे इमेज पर वेरिएशन, अगर आपकी वेरिएशन है तो आप यहाँ पे इमेज डालें, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी अब हम करेंगे प्राइस, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे आपको रख लेना है सेलिंग प्राइस, यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, यहाँ पे आपको रखना है स्टॉक, अगर आपको जितना भी स्टॉक रखना है वो रख सकते हो अपना गाइस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आप एसकेयू डाल दीजिए, पेरेंट एसकेयू, तो कोई एक डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तो पेरेंट एसकेयू डाल दिया, आप जो चाहे वो डाल सकते हो। इसके बाद हम करेंगे एचएसएन कोड, एचएसएन कोड आपको नहीं पता तो आप गूगल से इतना उठा लीजिए और नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो बेड सीट एचएसएन कोड, तो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। आप यहाँ से करेंगे कॉपी 3604 और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, या फिर आप टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, टैक्स कोड यहाँ से आपका जितना भी टैक्स कोड है वो यहाँ से डाल सकते हो, 5% में मेरा है तो मैं 5% रिटर्न कर रहा हूँ। इसके बाद कवर इमेज में हम डाल देते हैं एक इमेज, हमारी जो भी इमेज है वो उसकी लिंक कॉपी करेंगे और कर देंगे पेस्ट, आइटम इमेज में भी कर देंगे पेस्ट। ठीक है, मर्जी आपके डालना चाहिए डाल सकते हैं, नहीं तो कवर इमेज वही चीज़ है। ठीक है, आपकी जितनी इमेज, आप यहाँ पे 7 इमेज दे सकते हो और एक कवर इमेज दे सकते हो। इसके बाद आपको देना है अपने डायमेंशन डिटेल, जो शिपिंग डिटेल्स, शिपिंग के डायमेंशन होते हैं वो, तो मान लो इसका वेट हमारा है 700 ग्राम, तो 0.7 किलो में देना होता है यहाँ पे। ठीक है, और हम इसकी लेंथ मान लो कि हमारी जो पैकेट की लेंथ होगी पैक करने के बाद वो होगी 30-27 दिन, आपके पैकेट की जो है वो देख लीजिए, हम अपने पैकेट की डाल रहे हैं। ठीक है, ई कॉम यहाँ पे आप मैंडेटरी है, ये आप शेयर नहीं सकते, ये मतलब नॉन एडिट नहीं कर सकते इसको। इसके बाद छोड़ दीजिए सारा, कंट्री और ओरिजिन में आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, मैन्युफैक्चर डिटेल में आपको, मैन्युफैक्चर क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है कि जो बंदा उसको मतलब प्रिपेयर कर रहा है पूरे प्रोडक्ट को, जो उसको बना के रेडी कर रहा है वो होता है मैन्युफैक्चरर। अगर कोई हो रहा है आपके प्रोडक्ट का तो वो डाल सकते हो, नहीं तो आप खुद भी डाल सकते हो। जैसे हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम अपना फर्म का नाम डाल देंगे, उसका एड्रेस भी दे सकते हो। ठीक है, और बाकी सब इसको कर देते हैं डन, और ये कर देते हैं सेव। आपको कुछ नहीं करना, इसको सेव करके करना है सिंपली अपलोड, और ये फिर चली जाएगी अनपब्लिश में। गाइज हो गई सेव, हम कर देते हैं इसको क्लोज। ठीक है, और करते हैं चलिए इसको अपलोड। अब हम जाएंगे फिर से वहीं पे वापस उस अपलोड में जहाँ से हमने इसको डाउनलोड किया था, कर जाएंगे अपलोड में, और यहाँ पे कर देंगे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके फाइल को अपलोड, कर लेंगे फाइल को सिलेक्ट। तो गाइज वो अपलोड हो गई सीट, आप देख सकते हो, देखिए सक्सेस हुआ है, इस पर लिखा हुआ भी आ गया है, यहाँ पे डेट और टाइम भी आ रहा है। हम चलते हैं वापस माय प्रोडक्ट में, देखते हैं कि यहाँ पे भी आ जाते हैं मास अपलोड। आ देखिए यहाँ पे अनपब्लिश में आपकी शो हो गई, अभी 3 देखिए, मैंने बताया था ना कि 2 स्टेप में कम्प्लीट होगी। अभी लाइव नहीं हुई है, अभी अनपब्लिश में आई है। अब हम यहाँ पे अनपब्लिश पे करेंगे क्लिक, और हमें देनी होंगी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन, तो हम चलिए फिल कर देते हैं। तो अब जाएंगे मास अपडेट एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे,
अभी क्लिक करने के बाद कुछ टाइम वेट करते हैं, लॉगिन हो रहा है डेटा। अब देखिए, स्किप कर देते इसको, ठीक है। अब यहाँ से हमें आपको बता दूँ, अगर आपके पास इमेज यहाँ पे शो नहीं करता, आपने ड्रॉपबॉक्स लिंक यूज़ किया या फिर इमेज नहीं दिया उसमें, तो आपको इमेज शो नहीं करेगा। तो आपको मीडिया इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके यहाँ पे एक एक करके इमेज अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे तरीके से, अगर आपके पास इमेज ऑलरेडी शो कर रहा है, आपने दे रखा है, तो अच्छी बात है। तो आपको और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में जाना है और यहाँ पे आपको डेटा फिल करना है, क्योंकि ये चीज़ हमने फिल नहीं की, वो हमें यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है ब्रांड, स्टार जिस पे लगा है वो हमें फिल करना है। तो आपका अगर ब्रांड यहाँ पे आपने रजिस्टर करा रखा है तो वो डाल सकते हो, अगर रजिस्टर नहीं करा रखा, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप ऊपर आई बटन में जाएंगे, चेक करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपको ब्रांड ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर करा रखा है, तो मैं ऊपर इस पर क्लिक करता हूँ। इसको आप छोड़ सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे मेटेरियल अगर आपका है नीचे तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो यहाँ पे ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम बंडल से ऐड हमारा है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इसकी लेंथ आप चाहे तो डाल सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। इसका साइज हम मैंडेटरी नहीं है लेकिन हम डाल देते हैं, हमें पता है। इसका थ्रेड काउंट हमें पता है तो हम डाल देते हैं। इसका साइज डायमेंशन एंड विड्थ एंड हाइट जो भी है वो यहाँ पे फिल कर देते हैं। इसके बाद ऑलरेडी सब कुछ डन है, ठीक है। इसके बाद हम कर देते हैं यस पे क्लिक, ठीक है। तो गाइज आपको एक चीज़ इसमें करनी होगी, अगर आप सब कुछ फिल करके तब उस यस पे क्लिक कर रहे हो कि सब पे अप्लाई हो जाए, तो ये सब चीज़ सब पे अप्लाई नहीं होगा। अब जो भी इसमें एक एक चीज़, जैसे कि आपने ब्रांड किया तभी आपको नीचे यस टू ऑल करना होगा कि वो सब पे अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी इस पे दोबारा आपको करके दिखा रहा हूँ, इस पे हम क्लिक करेंगे, अब जाना होगा नीचे और आएगा नीचे, देखिए ये कह रहा है अप्लाई सम एट्रीब्यूट सेटिंग टू अदर प्रोडक्ट्स, जितनी भी लिस्टिंग हमने की, ये कह रहा है कि आप क्या सभी पे आप मतलब ये सेम चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं, तो यस करें नहीं तो नो करें। तो हम इस पे यस कर देते हैं, तो ये नीचे वाले पे खुद ब खुद आ गया, देखिए ऑटोमेट ऑलरेडी अपडेटेड हो गया है। अगर आपकी 4000 लिस्टिंग है तो सब पे अपडेट हो जाएगा ऐसे ही। यहाँ से मेटेरियल एक एक पे क्लिक करके इस पे क्लिक करेंगे, फिर से नीचे जाएंगे, फिर से यस करेंगे, वो फिर नीचे वाली पे ऑटोमेटिकली हो गया, देखिए ऐसे फिर से ये ऑटोमेटिकली हो ही गया था, लास्ट में हमने किया था। ऐसे साइज पे क्लिक करेंगे तो कर दिया हमने फिल, ठीक है। इसके बाद आप देख लेंगे कि आपका फिल हुआ नहीं हुआ, देखिए मैंने जो जो वहाँ पे फिल किया ऑटोमेटिकली हो गया। अब कर देना आपने सेव, तो अभी हमारी सक्सेसफुल सेव हो गया। सेव होने के बाद आपने करना है सभी सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करेंगे पब्लिश पे, कर देंगे इसको पब्लिश। अब जैसे ही पब्लिश डन हो जाएगी, हमारी जो प्रोडक्ट है वो लाइव हो जाएगा। अब ये देखिए ये यहाँ से पब्लिश में चला गया, हम चल देखे देख लेते हैं अपने प्रोडक्ट की वो लाइव हुआ नहीं हुआ। ये देखिएगा ये तीनों प्रोडक्ट जो हमने अपलोड किए थे वो लाइव है, ठीक है। हमें लिस्टिंग नहीं करनी थी तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ आपके सामने, आपको ये भी पता लग जाएगा डिलीट कैसे करते हैं। अगर आपकी कोई गलती होगी तो आप ऐसे डायरेक्ट डिलीट करके उस प्रोडक्ट को अगर आपको एक एक करना है तो यहाँ से क्लिक कर सकते हो, इसको डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करना है सारे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे लास्ट में डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ये यहाँ पे इस डिलीट करके डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये सारा प्रोसेस था आपको बल्क अपलोडिंग कैसे करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मैं और भी सारी बहुत बल्क अपलोडिंग बताऊंगा अलग अलग कैटेगरी वाइज की, ठीक है। तो अब ये तो आपको समझ आ गया होगा, और अगर कुछ अभी भी इसमें कोई डाउट है, कोई चीज़ छूट गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू। तो गाइज आपने वीडियो को पूरा देख लिया होगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो हमारी थी ये थी बल्क लिस्टिंग्स को कैसे अपलोड करें। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है और पूरा कंटेंट आपने अच्छे से मतलब पूरी वीडियो को बगैर स्किप किए देखा, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप लगभग बल्क अपलोड अब कर ही लेंगे, ठीक है, और कंप्लीट सीख ही चुके होंगे। तो ये जो अपलोडिंग हम कर रहे थे अभी, जो हमने बल्क अपलोड सीखा, ये मैंने एक होम फर्निशिंग कैटेगरी की डबल बेडशीट की आपको करके दिखाई, और इसमें कोई वेरिएशन नहीं था। वेरिएशन की लिस्टिंग्स हम दोबारा करेंगे, मैं आपको बहुत सारी कैटेगरीज की मतलब वीडियोस देने वाला हूँ, बहुत सारी कैटेगरीज को बल्क अपलोड कैसे करते हैं,
अलग अलग कैटेगरी की वीडियोज़ हमारी मतलब अपलोड होती रहती है पोर्टल पे, तो आप नेक्स्ट वीडियो में भी देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने होम फर्निशिंग की डबल बेडशीट की आपको बताई। ठीक है, और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है, अभी भी पूरी वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने रिलेशन में जो ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं या फिर जो जॉब करना चाहते हैं, फिर जो सीखना चाहते हैं, तो उसको वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद चैनल को तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लो, बिकॉज वीडियोस आपके लिए सारी आप ही के लिए है। ठीक है, और बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अपडेट आपको सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, और वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।